हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, माय फ्रेंड्स आर हियर अगेन। फाइनली मेरे घर आए हुए। अभी हम लोग सुबह से चिल कर रहे थे। कौन आ रहा है? एक मिनट, अभी हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है ना, ज़रा एक मिनट। यो अस्सलाम वालेकुम हुस्ना। हुस्ना जानू अभी सो के उठी है, इसलिए हुस्ना की हालत थोड़ी टाइट हुई हुई है। और हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट आने वाला है। पिज़्ज़ा आएगा, डोमिनोज से हमने ऑर्डर किया है। और अभी हम लोग बाहर फोटोग्राफी के लिए आए थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ है। सो यस, यो ब्रो दैट्स माय ब्रो। देती हूँ यार, ब्लॉग बना रही हूँ। ये गानिया की फोटोग्राफी चल रही है। ओहो हो, गानिया की पोज चेक करें यार, आप बस पोज चेक करें। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ले दो ना फोन, आईफोन दे दो अपना। क्यों, क्या करना है? फोटो बना रही है। अच्छा अच्छा, एप्पल का जो है ना आईफोन दे दो। एप्पल का आईफोन दे दो यार, आईफोन दे दो ना यार। देती हूँ यार, देती हूँ गरीबों को, दे गरीबों को। अच्छा चलो खाऊंगी। ये है द्राव द्राव। यार नहीं आ रहा मुझे, बोल यार बस आ रहा है, रुको पकड़ो, मैं सेंड करती हूँ उसमें। तो क्या चीज़ का सिनेमैटिक ले रही है? भूख लग गया आपका? उसकी वीडियो की ले रही हूँ ना, दिखाओ। मैं ये बंद कर रहा हूँ। हाँ मायला, ये क्या तुम्हें द्राव से भी चीज़ें भेजते हैं यार? एक वो है और एक दूसरा है, दो मंगवाए हैं। सो फूड इज हियर। ये लोग इतने भूखे हैं, ये लोग सिर्फ खाने के लिए रुके हैं। हाँ मतलब ऑब्वियसली, मतलब मेरे को भूखा तो नहीं भेज सकती थी ना। पूरी बात बोल रहा। हाँ सही कह रही हो। आओ ठूसो खाना, ठूसो आओ, ठूसते हैं। आओ टेबल पकड़ो, टेबल उधर करो, हटो। हुस्ना जान, एक तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ये वाला खा, ये रेंच है और ये पेरी पेरी है। एक एक इसकी ना थिन क्रस्ट मंगानी थी। अच्छा मुझे पता है, तो बताना था ना ब्रो, बताना था। ये किसका है दूसरा? एक समीरा का, एक तुम्हारा है। बहुत मजे का, ये अच्छा होता है ना, आई लव इट यार। ये डोमिनोज का बहुत फिट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। गानिया डोंट डू इट यार, बाद ये बनता है। ओ यार इसको छोड़ के आओ भाई। यार घर में बहुत रौनक है ख्वातीनों हजरात। बार बार वही वाला क्यों हो जाता है? मैंने ओके कमिंग आ रहा है। ओके कमिंग, बस पिज्जा खाओ और घर जाओ। ये देखो जरा, घर जाओ, पिज्जा खाओ, घर जाओ, पिज्जा खाओ, घर जाओ। अफसोस हो रहा है मुझे रहता बहुत। क्यों? पिज्जा खाओ, घर जाओ, हम रात रुक सकते हैं। बाकी यार हाँ भैया, प्लान जो करें मजा आएगा यार। टुडेज वीडियो आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू देसी कीवी फैमिली। ये चैनल है बेसिकली मरियम का और उनके हस्बैंड का। ये लोग जो हैं बहुत अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं, फैमिली कॉन्टेंट बना रहे हैं। दो इनके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। और न्यूजीलैंड में ये 8 साल पहले गए थे, वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और ये अपनी वीडियोज़ में वहाँ के खाने ट्राई करके बताते हैं, वहाँ का लाइफ स्टाइल शो करते हैं, और वहाँ पे मतलब किस टाइप का चीज़ें हैं, पाकिस्तान से वहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो वो इस टाइप के बड़े प्यारे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे इनके चैनल का लिंक होगा, उसको फॉलो करें, जाएं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन करें। आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग जाएं और इनके यूट्यूब चैनल को जो है सपोर्ट करें और इनको सब्सक्राइब करें। सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि माई स्किन इज ब्रेकिंग आउट रियली बैड बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस इन मी, आई डोंट नो व्हाट इज इट। सो मे बी इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं जाऊंगी डॉक्टर नदा के पास और उनसे जो भी वो ट्रीटमेंट करेंगी मेरा इन इश्यूज के हिसाब से, शी वुड डू दैट एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट। सो मेरे साथ रहिएगा। असल में मैंने ना एक प्रोडक्ट ट्राई की थी जिसका मैंने रिव्यू करना था आप लोगों के लिए। कैंपेन काफ़ी अच्छी थी, बट मैंने पहले का, मैं जब भी मेरे पास कोई कैंपेन आती है मैं पहले प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगे तो आई टेक देम फर्दर, अदरवाइज आई डोंट। सो मैंने ये चीज़ ये ट्राई किया और ये आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन की अच्छी भली बुरी हालत हो गई है। तो देखिए रिव्यूज़ देने के लिए
क्या कुछ करना पड़ता है। खैर तो मैं अब जाऊंगी डॉक्टर नदा के पास इंशाल्लाह होपफुली इन द नेक्स्ट वीक, और फिर आप लोगों को मैं पूरी की पूरी साथ में जर्नी दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स वगैरह मेरी कल चली गई थी, इंशाल्लाह कुछ दिनों में शायद हम लोग स्लीप ओवर का प्लान करें। और क्या करना है, स्लीप ओवर का प्लान करना है। आज के दिन में मैं अपने बालों की ऑयलिंग करने वाली हूँ और साथ में फेस मास्क लगाने वाली हूँ कोई अच्छा सा। सो लेट्स गो एंड सी कि हमारे पास क्या कुछ है जो कि हम आज यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये है मेरा स्किन और हेयर केयर कॉर्नर। यहाँ पर मेरी सारी की सारी स्किन और बालों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। और ये वाला जो मास्क है एम के कॉस्मेटिक्स का, ये वाला मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई करूँ। इसके इन्ग्रीडियंट्स भी बड़े मज़े के हैं और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये अच्छा मास्क है, क्योंकि मैंने इसके इंस्टा पे भी काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं और सुना है कि ये अच्छा है। तो आई गेस आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन। और एक और जो मेरे पास है मास्क, वो कुछ ये वाला राइस वाला है, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही क्योंकि इसमें कोई और लैंग्वेज लिखी हुई। गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ किया लेकिन उससे भी ना कुछ समझ नहीं आई। सो आई गेस आई विल गो विद द एम के वन। और ऑयल मेरे पास सोच रही हूँ कि मैं ऑलिव ऑयल लगा लूँ, नहीं तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी है ऑयल का जो कि है मोजो हेयर ऑयल। ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया और ये बहुत अच्छा है, लेकिन आई गेस टुडे आई एम गोइंग टू गो विद द ऑलिव ऑयल। बालों के और स्किन के जो है ना इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ना ऑयलिंग की है ना प्रॉपर मास्क लगाया है। सो ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया है, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मुझे काफ़ी सूट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वीक में एक दफ़ा ऑयलिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पता है इतना टफ स्केड्यूल है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने इस दफ़ा 5 to 6 कोर्सेज लिए हैं और सबकी असाइनमेंट्स मैं कर करके पागल हो गई हूँ सच में, मतलब बहुत टफ हुआ है यार आजकल सारा कुछ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना वीक में एक दफ़ा सारे कामों को छोड़ के अपने बालों की ऑयलिंग करें और अपने स्किन पर कोई अच्छा सा हाइड्रेटिंग मास्क लगाएं। बहुत फ़र्क पड़ता है मास्क वगैरह लगाने से। हुस्ना नूरी इस साइड पे है बेटे। तो ये वाला मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ एम के कॉस्मेटिक्स का। लेट्स सी कि ये कैसा है। इसके मैंने वैसे बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं, सो लेट्स सी। खुशबू यार इसकी चेक करो, ओहो हो ठंडा ठंडा मास्क है। अभी मैंने सिर्फ लगाया, इसको छोड़ा नहीं अपनी स्किन पर, बट इट्स लाइक इट्स रियली नाइस। सो गाइस, ऑयलिंग मेरी हो गई है, मास्क मेरा लगा हुआ है, इसके बाद मुझे बाथ लेना है और अपना फेस वगैरह वॉश करना है, ऑल दैट स्किन केयर रूटीन जो कि आप लोगों को पता है मैं क्या कुछ करती हूँ। कल है इंशाल्लाह मेरे ब्रदर इन लॉ की बर्थडे, बल्कि आज है, हाँ आज है उनकी बर्थडे, तो हम लोग शाम को जाएंगे और सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, तो उसका भी एक छोटा सा क्यूट सा ब्लॉग मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न योर पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आए यार मेरी वीडियो की। आई विल सी यू ऑल टुमारो, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।